क्या हो गया? क्या है? इस मोमेंट का बोल दे बस इतना। इससे बड़ा ईर्ष्या की परिभाषा बताऊंगा। ईर्ष्या किसे कहते हैं? ईर्ष्या तू न गई मेरे दिमाग से। रात को 10 बजे या तो सो रहे थे, सबको नींद आ रही है, देख लो मम्मी को अचानक से क्या सूझ जाए। क्या कह रही है? तो कम है, तीन जोड़े तो कम नहीं है, तीन एक तो कम तो है, करने भी है। पापा जी हाँ, मेरे पास तो 10-12 जोड़े नहीं पड़े रहे। और पता कल क्या कह रहे मुझे? गिन मेरे कपड़े, गिन अपने कपड़े, चल किसके जाते हैं गिन के बता। नहीं, जब नू कह रही बहुत का शॉपिंग करो, तुम भी शॉपिंग कपड़ों की अपने, मगर चल गिन ले, अलमारी खोल अपने वाली और वो मेरे वाली। पापा जी वो ट्राई करके देख दी उसमें। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। रात के बजे हैं 10। तो आज हम लाए थे कुछ शॉपिंग करके, जिसे नाम दिया गया है कि एक मैन की करवा चौथ की शॉपिंग है। तो ये जेंट्स की, मेंस की, मतलब जो भी कह सकते हैं इसे, ये उसकी करवा चौथ की शॉपिंग है और ये खुद ही कर लाए हैं, ना इन्हें किसी ने परमिशन दी और ना पैसे दिए। तो अपने ही दौरे से जुगाड़ करके ये अपनी शॉपिंग करके और उसे नाम दे दिया करवा चौथ की शॉपिंग करके लाए हैं। सही नहीं बोल लिया है तो लिया है, बढ़िया बोल रहे, बिल्कुल एकदम क्यूट से लगोगे। फूकी फूकी फूकी। तो भाई सबसे पहले जो है ये देखो, एक तो गिने चुने स्टाइल, डिजाइन और कलर यही आते हैं भाई मेंस में, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, क्रीम, खाकी, और यही आपको पसंद आते हैं। अच्छा जी, और यही मैं पहनूं, और ये मैंने पहनने शुरू करे थे। इसका भी मैं एक कारण बता दूं आपको कि ये मैंने क्यों पहनने शुरू करे थे। जब मैं बाहर रहता था तो खुद से कपड़े धोने पड़ते थे, अब भाई व्हाइट अगर लेंगे तो रोज धोना पड़ेगा, और अगर आदमी सिंगल रहता है तो फिर रोज धोने का टाइम नहीं है। तो ऐसे कलर जो है ना, मैल खा खा के भी हंसते रहते हैं 1-10 दिन तक, तो इसलिए ये कलर जब से ही मुझे पसंद है और फेवरेट मेरे ये बन चुके थे तभी। तो भाई देखो सेम से ही है तीनों, ब्लू के कई सारे सेड हैं और ये मैल खोरे हैं, मैल खोरे जिन्हें असली मैल खोरा बोला जाता है। तो भाई मैल चमकने का कोई नाम नहीं लेता इसमें 1 हफ्ते तक, और वैसे भी आपके सर्दी आ रही है तो खूब पहनो और बदल बदल के पहन लो, ऐसा लगेगा कि धुले हुए पहन रहे। लाइन में टांगो खुंटी पे तीनों को और एक एक दिन का वार लगा दो तो 1 हफ्ता तो वैसे ही कट जाएगा अगर रोजाना बदलेंगे तो। मैं चेक कर रही से खींच के देख के, और सबसे पहले मैं आता खींच के देख रही से। तो भाई चलो शुरू करते हैं, समय वेस्ट न करते हुए, अब तक जितना समय बर्बाद न करते हुए, तो समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। करता हूँ मैं अपनी शॉपिंग दिखाना, क्योंकि ये अच्छे से जो है इसे डिस्क्राइब नहीं कर पाएगी, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी इसे। ओ ये है भाई जो रखते हैं, सबको पता ही है पैंट और शर्ट के बीच में भी आता है, इससे क्या होता है कि ये मुड़ते नहीं और इनकी फिनिशिंग, और ये बहुत सारे लगे हैं बिल्ले बिल्ले, इतनी डिटेल में बच्चन की तरह इन्हें उतार नहीं, इतनी डिटेल में नहीं बताना बाबा जी। ये भी ना दिखाऊं, इसकी जेब अलग कपड़े हैं, अच्छी है आपकी चॉइस। चलो भाई देखो, अब की बार तो ये लोअर भी ये वाला लाए, जींस वाला लोअर, जींस के कपड़े में आए हो? तो भाई ये एक जींस चल रही है ऐसी, जींस के कपड़े वाले लोअर, जो लोग मोटे होते हैं, जिन्हें साइज फिट नहीं आते, जिनको 34 साइज जो है छोटा रह जाता है, 36 साइज जो है वो बड़ा रह जाता है जैसे कि मैं, और 35 साइज जो है वो कोई भी कंपनी बनाती नहीं है जो कि मुझे आता है, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है पैंट के अंदर, लोअर के अंदर, कि इसमें यहाँ पे इलास्टिक दे दी और एक दे दिया नाड़ा। इलास्टिक है, इसमें भी स्ट्रेस काफी है, फिर ऊपर से नाड़ा है, तो इसे पहनो और यहाँ से बांध लो, ना बेल्ट का झंझट और ना इसमें नंबर का झंझट। ये मुझे फ्री साइज सा लग रहा है, वैसे इस पे एक्सल लिख रहा है, लेकिन जो भी है ये कई साइज के नंबर वाले जो है लोगों को आ सकता है। तो ये है, मेरे भी आ जाएगा।
हाँ, ये जेट ब्लैक में ब्लू अगर मिला दो पापा जी एक लोअर लाए ले देगा, उसे मम्मी ने कह रही है तो मेरे भी आ जाएगा। हाँ तू पहन ले, पहले तू पहन ले से, हमने तो पहन ले, हमारे तो हो गए सोंग, हमारे तो सोंग ठंडे पड़ गए, तू पैर के घूम से। तो भाई ये कलर जो है ये ब्लू और जेड ब्लैक का जो है मिक्सचर है, और इसका समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से कलर का नाम दूं। ये धूल का वाइट वाइट तो नहीं हुआ जी? तो भाई ये तो हो गया लोअर है, कपड़ा तो सॉफ्ट लग रहा है इसका पहनने में, वाइट हो गया तो फायदा ही रहेगा कुछ दिन ब्लैगा तो देखो, मतलब सिंगल नाम में डबल फायदा है नी। तो ये बढ़िया लगी मुझे तो इनकी। अच्छा ये पैंट तो पैटर्न एक ही रहता है, नीली पैंट है, और इसकी जो पॉकेट है वो क्रॉस पॉकेट नहीं, यू टाइप की पॉकेट है। अच्छा कपड़े वाले दुकान वाले की तरह मैं बता रहा हूँ, उसने कुछ कुछ ऐसे ही बताया था भाई ने। तो ये जो है आज ये शॉपिंग भी हमने अपने आप करी वहां से। ये एक ट्राउजर है और ये मुझे जो है फिट करवाने पड़ते हैं। और ये किसकी पसंद की, किसने निकाल ली थी? तेरा एहसान है जिंदगी भर मेरे से ईर्ष्या करे जिंदगी भर। सच में सबसे पहले यही लेने की शुरुआत करी थी, कोई भी पैंट नहीं आ रही थी। नहीं थैंक यू आपका बहुत बड़ा सा धन्यवाद। और फिर मैंने कहा एक बार ये पहन के देखो, सच में फिर ये पहननी जब ये होगी मेरी पैंट्स। और देखो ये तो देख ली सबने पुराने, अच्छा ये देख ही ली है लोग में, पहन के मैंने दिखाई थी। और ये भी देख ली होगी शायद, ये भी पहने हुए आपने देखा ही होगा। ये देखी, उसके अलावा ये टी शर्ट्स हैं दो, ये देखो मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो ये कह रही थी प्लेन पहनो और प्रिंटेड टी शर्ट आपको जो है जचेगी नहीं, मगर जचने वाला काम तो अब गया, अब तो टाइम पास करना है, हैं तो उसके लिए आ गई है ये। और ये है देखो एक, ये जो हल्का सा पिंक कलर है, तड़कता भड़कता कलर सा है थोड़ा सा, और एक ये ले आए हैं भाई वहीं से। और ये जो था ना इन पर रेट तो इतने लिख दें, 1200 रुपये, 1300 रुपये, टी शर्ट पे भी 2200 रुपये, और फिर 70% की छूट 1599 की है, 1599 इसका MRP 1600 रुपये, और जिस पे 70% की छूट लगा लो 16×7=112, तो 1100 रुपये की इस पे छूट होगी, तो ये 500 रुपये की पड़ेगी, कोई ज़्यादा है ऐसी। इतने की आ गए टी शर्ट ये वाली तो इतने की है। तो जी ये थी मेरी शॉपिंग, आपको जरूर बताना है ये कैसी लगी है, क्योंकि भाई मैं भी उत्सुक रहता हूँ ये पढ़ने के लिए आपके कमेंट्स की मेरी चॉइस और शॉपिंग कैसी है। वैसे मैं कुछ ज़्यादा चूजी नहीं हूँ ना कुछ लंबे चौड़े। एक बात है, इन्होंने सारी गर्मियों में 3 टी शर्ट एक रंग की दुआ रखी है, उन्होंने निकाल दी, इन्होंने सब ये लगा कि एक ही टी शर्ट है, लेकिन ये 3 है। अब देखो जो कपड़े पहनने की उम्र थी जिसमें शौक हुआ है वो तो चली गई, तब उतने पैसे नहीं थे कि भाई हम अलग अलग उसके पहने। और अगर हम अब 20,000 का कपड़ा भी पहनेंगे तो हम टॉप 100 में। 20,000 का ना पहनो लेकिन अच्छा पहनो। अच्छा कितना अच्छा, ये अच्छा नहीं मतलब है जो जैसा पहनो है। नहीं अच्छा पहनो, अच्छे यही तो कहने का मतलब है, मतलब ही ना तो मेरी सारी चीज ना घुमा फिरा कर। चल अच्छा अब देखो इसकी शॉपिंग देख लो भाई। चलो मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी बातों को यहीं पर देता हूँ विराम। ये तो है 5.25 मीटर कपड़ा निशान के लिए, नवमी वाले दिन हमारे यहाँ पर निशान बंधेगा और वहाँ पे ले जाया जाएगा झंडा गुग्गा माड़ी पे। और हमारे घर में पूजा है ये पंडित जी के लिए, और जो पंडित आए ना है उनके लिए मैंने साड़ी ला रखी है। जब मैं प्रीति अपने कपड़े लाए थे काफी दिन पहले, क्योंकि तैयारी तो पहले भी हुई थी ना एक बार, तो ये कुर्ता पजामा लाना रह रहा था, बाकी सब तैयारियां कर रखी थी मैंने, लेकिन मुहूर्त नहीं बन पाया उस टाइम पे। और अब भी ज्यादा गेस्ट तो हम बुला नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई बच्चों के एग्जाम वगैरह भी चल रहे और बच्चों की पढ़ाई के बीच में सबका आना इम्पॉसिबल है, तो बड़ा प्रोग्राम फिर रख लेंगे और अब जो है पूजा पाठ करवा देंगे घर में, जब तक हमारा जो है घर तैयार भी हो जाएगा पूरा, भी इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं है। और अपनी लाइफ में एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, एक छोटा सा बिजनेस सेटअप बनाना चाह रहे हैं देखो, और ये छोटी शुरुआत कर रहे हैं, फिर जो है बड़ी भी करेंगे। छोटे छोटे थे तो बड़ी करते शुरू करें, तो खोल लो इसे, जो मैं तोड़ दूंगी, जो मैं तोड़ दूंगी तो आप लोग खुल गई पहली बार खुली, अभी मुझे ऐसे ही तोड़नी पड़े। तो ये लेकर आए हैं बहुत सारे दुपट्टे, और आपने अंदाजा लगाया कुछ कुछ तो जी चलो आपको दिखा देते हैं। कलर सब अलग ला रखे, और ये है एक पैंट का कपड़ा, प्रीति के पास में एक मैरून कलर की जो है होती है उसके लिए,
मैंने कुछ तुम कहा था निकाल दिया, तुम कह रही मम्मी निकाल रखा हो मैंने ये लो। और इसमें कई तरह के दुपट्टे हैं, कई सारी वैरायटी बोल रहे हैं ना, देखो इस तरह के भी हैं ये स्टॉल में, और इस तरीके भी है नीचे तक, सारे कलर अलग अलग है एकदम डिफरेंट, और ये पांचों कलर अलग है एकदम। तो ये तो खैर एक छोटी सी मजाक थी इसकी कि छोटे से बिजनेस से बड़ी शुरुआत करेंगे हम, लेकिन हम किस पर्पज से लाए हैं वो मैं आपको एक बार बता दूं। ये दुपट्टे हमें गिफ्ट करने हैं, सब अलग अलग कलर्स के हैं, वैरायटी सब एक है, रेट भी सबके एक ही हैं, और ये करने हैं हमें एक आश्रम में, वहाँ पे कुछ लेडी हैं। तो जब हम लोग गए थे ना आरुष के बर्थडे में, तो कई सारी आंटी बोल रही थी कि हमें कपड़े ला कर देना, तो फिर कपड़े तो देखो वहाँ के लिए ड्रेस होती है, एक जैसी ड्रेस होती है, ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड होता है जिसपे उनके नाम लिखे रहते हैं, तो इसलिए ड्रेस का तो अभी पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि दुपट्टे अच्छे रहेंगे, दुपट्टे फिर मैंने वहाँ पे बात करवाई इनसे ही, तो ये कह रहे कि यहाँ दुपट्टे आप ला सकते हो, ज्यादा चीजें बाहर से ले जाना वहाँ पे अलाउड नहीं है आश्रम में, क्योंकि वो खाना वाना सब वहीं पे बनता है। तो भाई कल हम जा रहे हैं फिर शामली, और वहाँ पे आश्रम में जहाँ पहले आपने एक बार देखा हमने भोजन कराया था वहाँ पे एक दोपहर का, उसी तरह का ओकेशन फिर है कल। और चिंकी और गुड्डू यानी कि प्रज्ञा और वाणी का बैक टू बैक बर्थडे है 8 और 9 तारीख का, तो 8 में हम करेंगे ये प्रोग्राम और फिर 9 में हम कराएंगे हवन पूजा अपने नए घर में। तो अभी तक तो ये है, बाकी जो है प्रभु की इच्छा, और भगवान करे कि ये सब काम जो है हमारे हाथों से बिल्कुल अच्छी तरीके से हो। और देखो गाइस ये सारी चीजें दिल से होती है, अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आपके नजदीक कहीं भी किसी भी शहर में आप रहते हैं आपके नजदीक आसपास में कहीं ना कहीं आपको ऐसा आश्रम मिल जाएगा। क्योंकि हमने जब पहली बार किया तो हमें खाना खिला के इतना संतोष, हाँ। इतनी संतुष्टि, सुकून, मतलब वो सारी चीजें मिली कि जो रोजमर्रा के जीवन में हमें नहीं मिलती है, मतलब एक ऐसा परिवार, एक हेल्पलेस जो लोगों का एक समूह आश्रम में, उनके बीच में मतलब एक अलग ही तरह का आनंद था, अलग ही तरह की खुशी थी। तो फिर से हम ये करने जा रहे हैं, और जैसे हम लोग बाहर से कोई उनसे मिलने के लिए जाता है ना, तो वो अपनों को ढूंढते हैं हमारे अंदर, अपने हमारे बीच में ना ये ढूंढते हैं कि कहीं हमारे घर से नहीं कोई लेने के लिए आ गया क्या। एक आंटी ने तो पूरे परिवार को उस टाइम पे इमोशनल कर दिया था, मतलब मेरा हाथ पकड़ के छोड़ा नहीं, और उनका हाथ ऐसे कांपता रहा, गुड्डू भी रोने लगी, इसकी चाची भी, मतलब पूरा परिवार इमोशनल हो गया था बड़ी मुश्किल से, बस मेरा हाथ पकड़े रखा उन्होंने, जैसे कि मैं उन्हें छोड़ के बहुत दूर जा रही, इस तरीके से उन्हें एहसास हो रहा था। फिर मुझे भी अच्छा सा नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो भाई खाना तो ठीक है लेकिन हम कुछ और भी करेंगे, नवरात्रि चल रहे, ये सारी चीजें प्रभु इच्छा से हो रही हैं, जो भी प्रभु करवा रहे हैं, और आगे भी प्रभु इच्छा से सब होता रहेगा। तो भाई चलो अब जो है सोने का टाइम हो गया, इसे बांध के रखो, सुबह की तैयारी करते हैं। और अब इस व्लॉग का भी यहीं से शुरू किया था और यहीं पे एंड कर देते हैं, ये थोड़ी सी चीजें आपको बताई हमने यहाँ पर भी बैठ के, और आपसे कल फिर मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी। तो गाइस हम लोग इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी, मेरे बर्थडे पे मम्मी पापा मेरे से इतना अच्छा काम करवा रहे हैं, और इससे ज्यादा और क्या ही चाहेंगे हम। भगवान से प्रार्थना है कि बार बार हमें ये मौका मिले काम करने का, और इससे ज्यादा एक 10th क्लास का स्टूडेंट क्या ही चाहेगा कि वो एक अच्छे नंबरों से पास हो और उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले उसके बर्थडे पे, और ऐसी ब्लेसिंग्स खास करके कि हाँ तुम जल्दी लाइफ में सक्सेस हो, अच्छे मार्क्स से पास हो, तुम्हारी मेहनत रंग लाए। तो थैंक यू मम्मी पापा इस बर्थडे गिफ्ट के लिए, आयुष्मान बाबा, आयुष्मान तथास्तु। तो गाइस 11 तो बज गए, बस एक घंटा और मम्मी ऐसे बातें कर लो चुभिया, और वैसे भी 2-3 बजे वो 2 बजे इसका जन्म हो गया था, 2 बजे रात के 2 बजे जन्म हुआ था, सुबह के इसका 2 बजे हुआ, उसका 6 बजे हुआ, और आज उसका 3 बजे हुआ है, 2-3-6 चिंकी का वैसे, उसका वैसा भी पैर भी बाद में नंबर चिंकी बोल रही मेरा बर्थडे बाद में क्यों आया, बाद में क्यों हुई थी। तो मेरा बर्थडे भी अभी स्टार्ट होने वाला, तो हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसने रखा था? इन्होंने रखा था।